जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे बगीचे की एक कली की तरह होते हैं जिन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में कश्मीरी पंडित के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिता प्रयागराज के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता व समाज सेवी थे। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों से इनके इतने प्यार के लिए इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई थी, फिर उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से कानून में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और लंदन के इनर टेंपल में बैरिस्टर बने। इसके बाद वे भारत लौट आए क्योंकि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शौक था। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। उनके मार्गदर्शन में जवाहरलाल नेहरू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। इसके चलते उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया। अपनी एक जेल अवधि के दौरान उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। 1929 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनके अधीन कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने भारत की विदेश नीति के हिस्से के रूप में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र में अपने विश्वास का उदाहरण दिया। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। वे योजना और विकास की समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ गए। उन्होंने शैक्षिक, तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों का एक नेटवर्क बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाने लगा। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने देश और दुनिया पर बहुत प्रभाव डाला। वह देश की एकता और मानव जाति की स्वतंत्रता के लिए दूरदर्शी और अपने विश्वासों के लिए जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।